एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच क्या होता है? एलिवेटर पिच, इसमें से हम कुछ अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें कि आपकी, अगर आप किसी लिफ्ट में जा रहे हैं या एलिवेटर में जा रहे हैं, जनरली ये कहीं भी आपको बहुत कम समय में पहुंचा देती है। और उतने कम समय में अगर आप किसी से उस लिफ्ट में या एलिवेटर में मिलते हैं, तो उतने समय में आप जो भी कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में आपको बात करना है, उसके लिए आपको 20 सेकंड से 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा एक मिनट मिलता है। और उतने समय में आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें, इस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं उसे बताएं कि वो काम बहुत इफेक्टिव लगे और वो सामने वाले इंसान उसका इंटरेस्ट आपके काम में जागे। ये आप कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में है एलिवेटर पिच। जी, मैं श्रुति सारदा, मैं आपको बताऊंगी कि हम एलिवेटर पिच जो है किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। जब हम एलिवेटर पिच तैयार कर रहे हैं, ये आपने, आप किसी से अचानक मिले और अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया या नॉलेज दे दिया या इन्फॉर्मेशन दे दी, ये सफिशिएंट नहीं होता है। ये अगर आप ऑलरेडी उसको एक पिच तैयार करके रखे जो बहुत इफेक्टिव भी रहेगा और आपको बताने में आसानी भी होगी, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं, जो सामने वाला इंसान है वो आपके वर्ड्स को सिर्फ 7% तक ही सुन सकता है, 7%। जी, तो ये जो बचा हुआ 93% है, उसका ध्यान आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका हाथ का हिलना आपका बॉडी लैंग्वेज, और जो आप बात कर रहे हैं, जो आपकी आवाज जा रही है, उसका ऊपर नीचे होना, सही टाइम पर सही तरीके से सही वॉल्यूम में कम ज्यादा होना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप कोई चीज उनको बता रहे हैं अपने काम के बारे में, वो इस तरीके से बताएं कि आपका काम उनको अच्छी से समझ में भी आए और उस काम में उनका इंटरेस्ट भी जागे। जब भी आप पिच कर रहे हैं, कभी भी आप अपनी आंखें बड़ी करके या आईब्रोज ऊपर करके बात करेंगे, वो चीजें एकदम मैच नहीं करेगी। जब आप बात करें तो आप किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, उसी समय अगर आप अपने हाथ के मूवमेंट से वो चीज समझाएं, तो चीजें और आसान होती है और हाथ की मूवमेंट्स की वजह से आपको उतने ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी को आप समझाना चाहते हैं कि आप कोई भी काम आसान किस तरीके से अपने प्रोसेस के थ्रू करते हैं, आप ऐसा बता सकते हैं, मैं यहाँ से एक डेटा लेती हूँ, उसी डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करके हम अपने क्लाइंट्स को वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आप अपना हाथ बाहर से अंदर लेके आपका प्रोसेस जो है वो किस तरीके से आप आसान करते हैं, ये बताते हैं। दूसरी चीज, जब आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उसको आप अपने हाथ के स्टेप बाय स्टेप, मीन टू से जैसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ती है, वैसा अपना हाथ हिलाकर आप वो मूवमेंट दर्शाएं, तो जो आप बता रहे हैं प्रोसेस, वो उनको समझने में आसानी तो होगी, साथ में उन्हें याद भी ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटा लेना होगा, उसमें दूध मिलाना होगा और फिर उसके बाद उसे बेक करने के लिए रखना होगा। इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है उसका जो फॉरवर्ड हो रहा है, या उसे कह लीजिए हम उसे ग्रो कर रहा है फ्रॉम आटा टू बेक, ये आपका एक ग्रोथ दर्शाएगा और उनको अच्छी से याद भी रहेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आप किसी चीज को नंबर पे दर्शाते हैं कि हम तीन चीजें कर सकते हैं, वही चीज आप सिर्फ मुंह से बोलने के साथ अगर आप उंगलियों से या हाथ से बताएंगे तो याद रखने में भी आसानी होगी। उदाहरण के लिए, हमारा बिजनेस है जो कि पार्टी ऑर्डर्स लेता है, इसके अंदर हम फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर डेकोरेशन भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही में म्यूजिक भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो लोगों को ध्यान रहेगा कि हाँ, मैं किसी से मिला था जिसमें जस्ट 20 से 30 सेकंड में उनको पता चल गया कि आप तीन तीन चीजों में डील करके आप उनको किसी तरीके से, जब भी उनके यहाँ पार्टी हो तो आप उनको मदद कर सकते हैं। अगली बात, जब भी हम कोई चीज बता रहे हैं जिसमें दो चीजों का मिलन होके फिर एक नई चीज तैयार होती है, उसके अंदर आप अपना हाथ बाहर से एक हाथ और दूसरा हाथ मिला करके
और फिर बता सकते हैं कि आप किस तरीके से वो काम पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने जब भी आप रियल्टर से मिलते हैं, रियल एस्टेट वाले और जो मैरिड कपल है उन लोगों को एक जगह पे लाकर मिलाते हैं ताकि वो लोग उनके लिए घर ढूंढना आसान हो जाए। जिस तरीके से आपने बताया कि ये और हाथ से दर्शाने की वजह से बहुत इफेक्टिव और याद रह जाता है। साथ में कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके जो पैर हैं वो उनके सामने होने चाहिए। आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और आपके पैर साइड में हो, आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपकी जो बात है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। सामने वाले को लगेगा कि आप वाकई उनसे बात करना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट कहीं और है। तो जब आप उनसे बात कर रहे हैं, उन आपके पैर, आपका हाथ और आपका चेहरा, फेस, वो उसी की तरफ होना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि आप वाकई उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। अब ये तो बात हुई जो चीजें आपने करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा जिसे हम ना करें ताकि जो भी आप बता रहे हैं वो उनके ध्यान में रहे और आपका पॉजिटिव इमेज उनके सामने बने। जैसे कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कभी भी उनको इस तरीके से हैंड्स डाउन करके, ये जेस्चर करके बात नहीं करना चाहेंगे। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं, ये दर्शाता है कि आप उनसे ऊपर हैं, आप उनके बराबर नहीं हैं, आप उनसे ऊपर हैं। और कोई भी इंसान जो आपको सुनना चाहता है वो आपसे दबकर या आपके नीचे उतरकर नहीं रहना चाहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप हाथ से, मुंह से, सब तरह से उनसे बात कर रहे हैं, उस समय अगर आप अपना हाथ कहीं और बालों में या फिर नेक पर या बीच बीच में आप अपना होंठ दबा कर रखेंगे तो ये आपका जो नर्वसनेस है वो उनके सामने लाएगा। ये दो तीन चीजें अगर आप ध्यान रखें और जब भी आप बात करें किसी से 20-30 सेकंड में आप कुछ बताना चाहें तो आपके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से चीजें आप बता पाएंगे और अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। So, next time, do well.